हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम एग्जाम्पल। माई नेम इज चंचल, सना इज माई फ्रेंड, वी लव ईच अदर। सो ये कुछ एग्जाम्पल है और इन एग्जाम्पल से हमें कुछ एक मीनिंग निकल के आ रहा है, हमें समझ आ रहा है कि क्या बताना चाह रहे हैं। So we can say that sentence is a group of words that makes a complete sense. तो sentence वो group of words होता है जिससे complete sense बनती है। Now sentence को लिखते हुए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, a sentence always begins with a capital letter. जब भी हम sentence लिखते हैं हमेशा capital letter से start करते हैं और जब भी उसका end होता है तो हमेशा full stop लगाते हैं या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिस भी तरीके का वो सेंटेंस होगा। नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है? जिसमें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम होता है, वो चीज हो सकती है कोई या कोई पर्सन हो सकता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? उस चीज के बारे में या पर्सन के बारे में जब कुछ बताया जाता है वो पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल, द बस वॉज रनिंग ऑन द ट्रैक। द बस यहां पे हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, एंड वॉज रनिंग ऑन द ट्रैक हमारा है प्रेडिकेट। और एक चीज जो हमें यहां पे ध्यान रखनी है कि वर्ब हमेशा प्रेडिकेट का ही पार्ट होगा। वर्ब एक्शन डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यहां पे वर्ब है हमारा रनिंग। Now, types of sentences. So, there are 5 types of sentences: assertive sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, interrogative sentences, and negative sentences. So, let's see first part, assertive sentence. इसको हम declarative sentence भी बोलते हैं। A sentence that states or declares something. वो sentence जो कुछ हमें बताता है या declare करता है, ये हमेशा full stop से end होता है। Example, the earth is round, dog is barking. Next is imperative sentence या command sentence, जिसमें command दिया जाता है। A sentence that gives a command, जिसमें हम command देते हैं, request करते हैं या कोई advice offer करते हैं, उसे हम कहते हैं imperative sentence। ये भी full stop से end होते हैं। Example है हर एक तरीके के imperative sentences के, please give me a glass of water, this is a type of रिक्वेस्ट। टेक द मेडिसिंस रेगुलरली, ये एडवाइस दिया जा रहा है। क्लोज द डोर, ये कमांड दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, वंडर इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जिनसे हमें एक ऐसी फीलिंग, जॉय की फीलिंग या सोरो दुख की फीलिंग या आश्चर्य वाली कोई बात हमें जब समझ आती है तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उनको बोलते हैं और वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं या शुरू में भी लग सकता है। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच। सो बहुत खुशी की बात है, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, तो यहाँ पे भी काफी आश्चर्य हुआ उसकी ब्यूटी को देख के, सो यहाँ पे भी हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंस होते हैं। अ सेंटेंस दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज योर टीचर। सो ये दोनों ही क्वेश्चन फॉर्म है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट लगता है या नो लगता है। इट यूजेस नो और नॉट इन बिटवीन, बीच में वर्ड्स के बीच में नो और नॉट लगता है, या डोंट से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सिमरन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सिमरन स्कूल नहीं जा रही है, तो नॉट बीच में आ गया, या डोंट स्विच ऑफ द फोन। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।